जुनून बेखुदी बन गई आशिकी, तूने दी है ये कैसी सजा। अब तो वो बात ही नहीं रही इसमें, लेकिन मैं इसे जिंदगी की तरफ वापस ले आऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कभी भी अपनी मर्जी से नहीं आती। मुझे तुम्हारी मामा ने बुलाया था, नायला आंटी को कहीं जाना था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आ जाऊँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हें लगता है जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की वो मेरा ख्याल रखेंगे? दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हारी या तुम्हारे खानदान में किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें ना तो मेरा कसूर था और ना ही मेरे घर वालों का। वो तो बस गलती से नानू के मुंह से निकल गया और नायला आंटी ने सुन लिया, जिसकी वजह से शादी रुक गई और निकाह भी रोक दिया गया। और फिर खालू ने दानिश की इतनी मिन्नतें की, अपनी इज्जत का वास्ता दिया, तो फिर उसने शादी कर ली। वो और बेचारा क्या करता? अब देखो ना, सिर्फ तुम परेशान हो बल्कि हम भी परेशान हैं। मत लो उस बगैरत का नाम, दोस्त बनकर धोखा दिया उसने मुझे। अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो वो कोई और सिर्फ रानिया है। क्या जरूरत थी उसको शादी करने की? अगर वो चाहती तो वो ना कर सकती थी, कोई मजबूर नहीं थी। वो निकाह का वादा तुमसे किया, तुम्हें घर से जाने को कहा और किसी और से निकाह कर लिया, क्यों? अगर सच पूछो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हें इस हालत में देख। उसने ना सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे एहसासात का भी मजाक उड़ाया, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? अपनी हालत देखो, क्या तुमने बना ली। और वहां वो धोखेबाज अपनी जिंदगी में खुश है, ना सिर्फ खुश बल्कि हनीमून की तैयारी कर रही है। उसे छोड़कर तुमसे शादी के लिए आना चाहिए था, उसे तलाक मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शट द हेल अप सना, जाओ यहां से प्लीज। याद रखना, सफर मोहब्बत का हो या नफरत का, अकेला इंसान टूट के बिखर जाता है। उसे अपने या किसी साथी की जरूरत जरूर पड़ती। मुझे कोई और नहीं, हमदर्द समझ के ही याद कर लेना। कभी मायूस नहीं हो गए। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।